हमें देशभक्ति की बात करनी चाहिए। देशभक्ति जरूरी आनी चाहिए। देश के इतिहास में क्या क्या हुआ और कितने लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग किया, इन सब के बारे में बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए और उसके बारे में आपको बातचीत करनी चाहिए। ये महान देश है, यहाँ बड़े बड़े महान लोग, इतने लोगों ने, इतने दूर दूर के लोगों ने सत्य को प्राप्त किया। सत्य के बगैर मनुष्य का जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। जैसे अंधेरे में इंसान चटोरते रहता है, उसी तरह सत्य के बगैर मनुष्य भटक जाता है। उसमें उसका मैं दोष नहीं मानता, दोष है उस अंधेरे का जो उसे घेरे हुए। इसका जो और फैलना चाहिए, उससे जो है एक शांतिमय सुंदर सा ऐसा स्वर इस संसार में आ जाए। और हिंदुस्तान में ये कार्य बहुत जोरों में हो रहा है। उसका कारण ये है कि भारतवर्ष एक योग भूमि, एक पुण्य भूमि, और इस पुण्य भूमि में इस तरह का कार्य होना था ही, दिखाई था, विधि थी, किंतु इतने जोरों में और इतना पढ़कर ये परिवार इतना परिपक्व होगा ऐसे कहीं भी मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये घटित हो रहा है और होगा भी। इसके आनंद को आप उठा रहे हैं, वो दूसरों को भी देना चाहिए। हिंदुस्तान तो है ही मेरा देश, और यहाँ आने में वो एक विशेष आनंद होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। न जाने कितने हृदय में ये आनंद आडोलित होता है और कितने ही लोग इस आनंद से प्रभावित होते हैं। इसी से हमारे बच्चों की भी रक्षा होगी और हमारे युवा लोगों की रक्षा होगी, इतना नहीं लेकिन हमारे देश में सुबत्ता और असली माने में स्वराज आ। स्व का मतलब है आत्मा, और आत्मा का राज्य आना ही स्वराज। स्वतंत्र का मतलब है फिर वही आत्मा का तंत्र, माने आत्मा की टेक्निक, ये दोनों आनी चाहिए और वो आ गई है।